नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। वीरों की भूमि देवभूमि राजस्थान की मिट्टी में कलाकारों की कमी नहीं है। ऐसे कलाकार हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज आपको ऐसे ही कलाकार त्रिलोक चंद मांडन गांव डंडेला नाहौर के मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई लकड़ी की मूर्तियों की तस्वीरें पेशकार इसकी विशेषताओं तथा बनाने के उद्देश्यों की जानकारी रखेंगे। आपको बता दें कि त्रिलोक चंद के द्वारा अब तक 1000 से ज़्यादा छोटी बड़ी लकड़ी की मूर्तियां, गहने व चूड़ियाँ आदि बनाई जा चुकी हैं। खास बात यह है कि लकड़ी की मूर्तियां बनाने में गोंद या फेविकोल का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं त्रिलोक चंद कलाकार। इसी कला के चलते अनेकों बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी पा चुके हैं। कलाकृतियों का अपने घर में एक म्यूजियम भी इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। त्रिलोक चंद की एक और विशेषता है कि बनाई हुई कलाकृतियों का बेचान नहीं करते, यानी यूं कहिए कि लकड़ी की बनाई गई कलाकृतियों को जो बेचते नहीं हैं, बल्कि कला को सहेज कर रखते आ रहे हैं ताकि विश्व भर में इस कला को एक पहचान मिल सके। वर्तमान समय में ऐसे कलाकारों को तराशना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब आधुनिक युग है तथा मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया है, और कलाकार इस प्रकार से कलाकृतियों बनाने वाले तराशने इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल काम है। हमारा कहने का अर्थ यही है कि लोग आजकल ज़्यादा समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिता रहे हैं। इस प्रकार की पुरानी जो प्राचीन कला है वह भी अब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। अगर हम पुराने कलाकारों की मूर्तियों और उनके द्वारा किए गए इस कार्य को प्रदर्शित नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, लोगों को जानकारी नहीं देंगे, तो प्राचीन काल की जो मूर्ति कला है वह धीरे धीरे लुप्त होनी हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे कलाकार त्रिलोक चंद जैसे कलाकारों का हमें सम्मान भी करना चाहिए, और उनके जज्बे को कलम न्यूज़ की तरफ से भी सलाम। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।